हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑप्टिक्स में ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, काफी इंटरेस्टिंग आज क्लास है। मतलब आज का क्लास इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप कुछ वो नहीं पढ़े होंगे, मतलब आप जीरो जानते हैं, तो समझिए ना कि आज की क्लास देखने के बाद हीरो बन जाइएगा। और लड़की लोग आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग हीरोइन बन जाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि अभी क्लास में क्या बताने वाले हैं कि आप कोई नहीं बता रहे हैं कि पूरा इंटरेस्टिंग है, तो हाँ आज का क्लास पूरा काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। समझिए कि आपके जीवन काल से रिलेटेड है। हम लोग कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालेंगे, कुछ बहुत बढ़िया चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और अपवर्तनांक के बारे में, कि अपवर्तनांक क्या होता है, शीशा में प्रकाश का चल क्या होता है और पानी वानी में ये सब क्या होता है, ये सब निकाल चुके थे। अब बारी बाबू जानते हैं यहाँ से क्या आता है, यहाँ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ से बाबू स्टार्ट करते हैं प्रो विटामिन टैबलेट, जो कि हमारा फेमस है, तो आप लोग लिखते रहिए प्रो विटामिन टैबलेट। आखिर इसका भी तो चाहिए ना, मान लीजिए कि जब तक ये वाला जाएगा नहीं तब तक आप लोगों के माइंड में सेट होगा नहीं। तो प्रो विटामिन टैबलेट काफी ज्यादा बाबू इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। तो आप लोग यहां एक नंबर में लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल तरंग दैर्ज, ठीक है ना, चाल तरंग दैर्ज बदल जाती है, लेकिन उस प्रकाश की आवृत्ति, लेकिन उस प्रकाश की आवृत्ति रंग, ठीक है ना, रंग कहने का मतलब जो उसका कलर होता है, ये सब नहीं बदलता है। आप लोगों के माइंड में बात चल रहा है कि सर आप क्या लिखे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके आप समझाने का कोशिश करें। देखिए, हमको आपको समझाने का मतलब बोर्ड पे बस छाप लीजिए, हम समझाएंगे अपने स्टाइल में, समझ गए ना। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के दौरान कहने का मतलब है कि आप हाथ में शीशा ले लीजिए, ठीक है ना, तो कोनो कहेगा हाथ में दिल नहीं ले सकते हैं, नहीं, आप लोग हाथ में का लेना है शीशा लेना है, शीशा लेना है और उस पर एक टॉर्च की लाइट को मारना है। जब आप टॉर्च यानी जो टॉर्च का में से प्रकाश का जो लाइट आएगा वह जब शीशा पे टकराएगा तो क्या बताइए कि वह प्रकाश मान लीजिए श्वेत कलर का था, चाहे रेड कलर का था, चाहे येलो कलर का था, तो क्या शीशा पर मारिएगा जब अपवर्तन होगा तो क्या वह रेड था तो ब्लू हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है बाबू लोग कि आप प्रकाश को किसी सतह पर मतलब कि आपतित करवाइएगा, आपतित तो होने के बाद वह परावर्तित तो हो चाहे अपवर्तित तो हो, क्या प्रकाश का रंग बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बदलेगा। प्रकाश का जो रंग था वही रहेगा, प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी था, आवृत्ति था, वह आपका वही रहेगा। जैसे हम यहाँ बोलकर पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ जो आसपास बाबू जो है सुन रहा है लड़का लोग, तो यहाँ मेरा जो आवाज का फ्रीक्वेंसी है मेरा एक फिक्स है, नहीं बदल सकता है। हम
अभी पढ़ाए चाहे 5 साल बाद पढ़ाए चाहे 10 साल बाद पढ़ाए, मेरी आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है वह निश्चित सेम है। मान लीजिए कि आप हमसे अभी पढ़ रहे हैं ना, यदि आप हमसे 5 साल बाद मिलते हैं चाहे 5 साल बाद आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं, आप लोग मेरा आवाज सुनिएगा तो पहचान जाइएगा कि नहीं ये आवाज सुना सुना लगता है। आप लोग कहते हैं ना कि कोई आपसे मिलता है, आप मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कौन है, लेकिन उसका साउंड जरूर आप लोग पहचान जाते हैं कि नहीं ये साउंड कहीं ना कहीं सुना लगता है, हम सुने हैं जरूर लेकिन कहाँ सुने हैं हमको याद नहीं है। ऐसा होता है ना, कहेंगे जी सर बिल्कुल होता है। तो किसी भी मनुष्य का जो उसका ध्वनि है, जो मेरा साउंड निकल रहा है, चाहे जो प्रकाश है उसका एक कलर का, ठीक है ना, उसका एक का होता है ना कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी वही होगा। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है ना कि मेरे हाथ का एक तरह समझ लीजिए ना कि जो हाथ में मेरा जो अथी है मतलब कि रेघारी होता है ना जिसमें फिंगरप्रिंट लगता है, तो मेरा अभी मेरा 20 साल की उम्र में भी वही है, 40 साल की उम्र में भी हमारा वही होगा, 80 साल की उम्र में भी वही होगा, कहीं बदलेगा नहीं बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी समझिए ना कि एकदम किसी भी चीज का फिक्स होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं ना, याद हो गया होगा। तो वही कहने का मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। यह क्या है, देखिए हम मान लीजिए कि जितने स्पीड में अभी पढ़ा रहे हैं, चाहे अभी मेरे नहीं आपके चैनल स्टडी विथ डेडिकेशन पे अभी 300 प्लस स्टूडेंट जुड़े हैं ना, तो अभी हम 300 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद हम 3 लाख को चाहे 30 लाख को पढ़ाएं। तो ये सब क्या है, बदल सकता है ना, कहेगा जी सर बदल सकता है, गारंटी है, क्योंकि आप में वो जुनून है, वह जज्बा है, आप पढ़ाते हैं दिल खोल के, जरूर पढ़ाइएगा आप। तो वही बात है बाबू कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, मतलब आज हम 300 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 2 साल बाद 3 लाख को चाहे 30 लाख स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो यह सब चेंज हो सकता है ना। क्या मेरा जो पढ़ाने का अभी जो आवाज है, जो साउंड अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो हम 300 स्टूडेंट को जो हम अपनी ध्वनि जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो अभी भी मेरा साउंड ध्वनि वही होगा, और जब 3 लाख को पढ़ाएंगे, जब 30 लाख को पढ़ाएंगे तो भी मेरा साउंड का फ्रिक्वेंसी वही होगा, नहीं बदल सकता है, चाह के भी हम नहीं बदल सकते हैं। आप लोग पहचान जाइएगा कि नहीं सर आप वही है, आपका हम आवाज पहचानते हैं, आप हम लोग को बहुत पढ़ाए हैं। तो वही बात है बाबू कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उस प्रकाश की आवृत्ति रंग ये सब नहीं बदलता है। पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान ऐसी कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है, तो माय डियर आवृत्ति है, कई कभी रंग भी देता है, ठीक है ना, कि अपवर्तन के दौरान कौन सी चीज नहीं बदलता है, तो रंग भी नहीं बदलता है। अब मान लीजिए कि हम करिया हैं, ठीक है ना, मतलब हो सकता है 4 साल बाद हम उजला हो जाए, लेकिन क्रीम के वजह से हो गए ना, लेकिन यदि क्रीम हम नहीं लगाएंगे तो मेरा फेस भी वही रहेगा। तो वही बात है, रंग भी देखिए, रंग कहने का मतलब है कि नेचर, ठीक है ना, नेचर मान लीजिए हम ईमानदार हैं, हम दिल से पढ़ाते हैं, कभी किसी के दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो हम आगे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि मेरे जीवन का एक फिक्स है, मतलब कि हम अपने कभी ईमान को नहीं बदल सकते हैं। तो वही बात है कि प्रकाश की आवृत्ति रंग ये सब का है, नहीं बदलता है, ठीक है जी सर, क्लियर है, अब पूरा आप समझा दिए हैं ना। हाँ तो क्या होता है कि आप किसी लड़की से मिले हैं, बातचीत किए हैं, फिर क्या होता है कि आपको छोड़ के चली जाती है, तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है तो उसका आप लोग आवाज सुन जाते हैं कि नहीं वही लड़की है। तो वही बात है, इस सब में और ज्यादा कुछ है नहीं। तो यह हो गया, अब यहाँ से बाबू लोग हम लोग कुछ रिजल्ट देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे बाबू, रिजल्ट हम लोग कुछ देखने वाले, जैसे देखिए बाबू कि यहां से हम लोग कुछ, अब यह तो 1 नंबर में हो गया ना, 2 नंबर में,
प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश का चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, तरंग दैर्ध्य में संबंध मतलब देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा ठीक है ना, तो इसमें कुछ राशि बदल जाती है, तो कौन कौन बदलता है, तो हमारा बाबू चाल और तरंग दैर्ध्य का होता है बदलता है, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे रिलेशन। क्या देखेंगे? रिलेशन। रिलेशन कहने का मतलब है बाबू देखिए, प्रकाश की चाल को हम लोग भी से करते हैं डिनोट ठीक है ना, और तरंग दैर्ध्य को करते हैं बाबू लेमडा से ठीक है ना, कहाँ से करते हैं, लेमडा से हम लोग करते हैं। तो देखिए बाबू, यहां से आप लोग समझिएगा कि आप लोगों को एगो सूत्र पढ़ाए हैं, चाहे आप लोग याद रखे होंगे, कि दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर दूरी बराबर चाल अगुना क्या होता है, कहेगा सर दूरी बराबर चाल गुना हमारा क्या होता है, समय होता है। कहेंगे जी बिल्कुल बाबू, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी मतलब देखिए बाबू, जो हमारा तरंग दैर्ध्य है ना, ये हमारा एक टाइप का दूरी है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है ठीक है ना, क्या है, दूरी है। तो समझिए तरंग दैर्ध्य मतलब क्या, दूरी। तो हम दूरी का मान बाबू यहाँ लिख दें, दूरी मतलब यहाँ लिख दें तरंग दैर्ध्य, कहिएगा जी सर दूरी मतलब तरंग दैर्ध्य आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ चाल है और गुना समय लिख देते हैं, लिख दिए ना। तो अब देखिए तरंग दैर्ध्य मतलब क्या, इसका सिंबल क्या है, कहेगा सर लेमडा है, क्या है, लेमडा। और चाल मतलब क्या बाबू, तो कहेगा चाल मतलब क्या सर, प्रकाश का चाल मतलब चाल होता है, तो प्रकाश का चाल हम यहाँ क्या ले लेते हैं, भी ले लेते हैं। समय हम टी ले लेते हैं ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो अब देखिए आप लोगों को हम बाबू यहाँ कुछ पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए तो पढ़ा देते हैं। दूरी बराबर हमारा क्या हो गया बाबू, चाल गुना हमारा समय हो गया। अब यहां से देखिए बाबू, हमारा एक आवर्त काल होता है ठीक है ना, आवर्त काल मतलब टी बराबर होता है वन बटा में न्यू, मतलब यह आपका न्यू होता है, मतलब आवृत्ति, मतलब आवर्त काल बराबर क्या होता है, वन बटा में फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, आवर्त काल बराबर क्या होता है, वन बटा में फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति, समझ गए, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवर्त काल बराबर क्या होता है, वन बटा में फ्रीक्वेंसी, काफी फेमस फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो टी देखिए हम यहाँ लिख देते हैं लेमडा बराबर भी बाटा में, बाटा में टी को क्या लिख सकते हैं, वन बटा में न्यू, न्यू बोलते हैं, न्यू आधा न यू, न्यू हम यहाँ बाबू कर देते हैं, न्यू हो गया न्यू। तो अब देखिए बाबू यहाँ से हमारा न्यू क्या है, कहेगा सर न्यू हमारा अचर है, तो देखिए इसको हम इसमें गुना कर देते हैं, तो हमारा भी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू और गुना लेमडा हो जाएगा ना। आप लोग बोलिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस आप लोग देखते जाइएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी वही है बराबर चाल भी है, ठीक है, बस वन बटा में न्यू ई वाला फॉर्मूला रखे हैं, रखने के बाद ई वाला इसमें गुना कर दिए हैं, तो हमारा इधर भी बचा तो भी लिख दिए हैं और न्यू गुना लेमडा। तो अब आप लोग बाबू देखिए, अब यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझ गए ना, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। न्यू मतलब क्या बाबू, ध्यान समझिएगा, न्यू मतलब हमारा बाबू आवृत्ति है ठीक है ना, क्या है, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति। कहेगा जी सर न्यू मतलब क्या है, आवृत्ति। आ किसी भी प्रकाश की क्या होता है, आवृत्ति फिक्स होता है, क्या होता है, आवृत्ति फिक्स होता है, मतलब यह हमारा क्या है बाबू, अचर है,
क्या है, अचर है। तो अब बताइए भी बराबर हमारा न्यू गुना लेमडा था, तो हमारा ई वाला मान फिक्स है, मतलब एकदम फिक्स है, अचर है। तो हमारा भी किस पे डिपेंड करेगा, कहेगा सर भी हमारा लेमडा पे डिपेंड करेगा। क्या है कि इसका तो मान बदलवे नहीं करेगा, इसका मान तो बदलवे नहीं करेगा, तो हमारा जो भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, कहेगा लेमडा पे सर करेगा, बिल्कुल, क्योंकि बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ लिख देते हैं भी समानुपाती लेमडा, समझ गए ना, भी समानुपाती लेमडा, याद रखिएगा भी समानुपाती लेमडा है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका चाल भी ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका चाल भी कम होगा। क्या है कि डायरेक्टली समानुपाती है, आमने सामने बरोबर का खिलाड़ी है, ठीक है ना। ई बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, ई घटेगा तो इहो घटेगा। तो यहां से सर कहेगा रिलेशन क्या निकलता है, बताइए रिलेशन। देखिए वो ई निकल गया, अब यहां से देखिए क्या है कि भी वन बाटा में भी टू बराबर भी के सामने क्या है, लेमडा है, तो भी वन के सामने क्या होगा, लेमडा वन होगा, होगा ना। अब भी टू के सामने क्या होगा, लेमडा टू होगा। कहने का मतलब ध्यान समझिए कि भी के सामने क्या है, लेमडा, एकदम देसी मिजाज में बारीकी समझिए, भी के सामने क्या है, लेमडा, तो भी वन के सामने क्या होगा, लेमडा वन, भी टू के सामने क्या होगा, लेमडा टू। यही हमारा बाबू क्या है, रिलेशन है। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कैसे, ऐसे कि यदि एक प्रकाश को, समझ गए ना, एक प्रकाश को किसी माध्यम में चाहे जाता है तो उसका चाल इतना है और तरंग दैर्ध्य इतना है, मतलब एगो जो प्रकाश का किरण है वह किसी माध्यम में गमन कर रहा है, मान लीजिए पानी में गमन कर रहा है, मान लेते हैं कि एगो प्रकाश का किरण है पानी में बेचारा चल रहा है, तो पानी में चल रहा है तो उसका चाल दिया रहेगा और उसका तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा। फिर बोलेगा कि वही प्रकाश यदि शीशा में गमन कर रहा है तो उसका चाल इतना है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, मतलब कि आपका ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, यही निकालने के लिए पूछेगा। का नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, एगो क्वेश्चन देते हैं आराम से, बिल्कुल और बनेगा, आप लोग नोट करते रहिए, बाकी क्लास में ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हाँ नहीं समझ में आया है, ऐसा लगेगा कि हाँ आज कुछ सीख के गए हैं यहाँ से। चलिए तो हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, बस इतना ध्यान रखिएगा बाबू, इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश किसी माध्यम में जाएगा तो वही प्रकाश दूसरे माध्यम में भी जाना चाहिए, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, ना कि एगो रे पानी में चल रहा है वो दूसरा रे है, आ एगो आप शीशा में दौड़ा रहे हैं तो वो अलग रे, वैसा नहीं, आपका एक ही किरण होना चाहिए, तो आपका एगो में इसका इतना चाल है आ एगो में इसका इतना चाल है, समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, मतलब कि सोर्स हम है, क्या है, सोर्स हम है, तो कभी मैट्रिक वाले को पढ़ाते हैं कभी इंटर वाले को पढ़ाते हैं, बस हम नहीं बदलना चाहिए, मतलब कि मास्टर नहीं बदलना चाहिए, टीचर नहीं बदलना चाहिए, तो वही है प्रकाश का किरण नहीं बदलना चाहिए, भले आप उसको दो माध्यम में दौड़ा दें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में उसकी चाल दुगुना 10^8 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्ज 300 नैनोमीटर है और वही दूसरे माध्यम में चाल
चाल मान लीजिए कि दे देते हैं डेढ़ गुना 10 के पावर 4। डेढ़ गुना 10 के पावर 4 है तो उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि कराए हैं कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन भी बताना क्या है, जरूरी है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन बताएंगे नहीं, आप लोग समझ में आएगा नहीं। आप लोग बनाने से पहले जानते हैं क्या करना है, पहले डाटा लिख लेना है ना कि डाटा दिया क्या है। डाटा देखिए हम यहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं इस साइड। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं माध्यम वन, ठीक है ना, क्या लिखते हैं माध्यम वन, और यहाँ लिखते हैं माध्यम टू। माध्यम वन हो गया, यहाँ क्या हो गया, माध्यम टू हो गया। उसके बाद देखिए माध्यम वन में क्या क्या दिया है लिखिए, माध्यम टू में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है लिखिए। यदि प्रकाश की किसी एक माध्यम में उसकी चाल इतना है, मतलब कि वी वन का मान दिया है, कितना दिया है, तो 2 × 10 के पावर 8 m/s दिया है ना, कहेगा जी सर। आगे बढ़िए, तथा तरंग दैर्ध्य इतना नैनोमीटर है, ये नैनो है बाबू, ठीक है ना, ये नैनो है। तो यहाँ देखिए लेमडा वन ले लेते हैं, लेमडा वन का आने का मतलब कितना दिया है, 300 हमारा नैनोमीटर दिया हुआ है। चलिए आगे आइए, और वही दूसरे माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम मतलब ई वाला, तो हमारा क्या दिया है, v2 का दिया है बाबू, क्या कहा गया, 1.5 × 10 के पावर 4, तो हमारा 1.5 × का हो गया 10 के पावर 4 हो गया। आ यहाँ इसका मात्रक लगा लीजिए, मीटर पर सेकंड हो गया। तो उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगा, मतलब हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं बाबू, लेमडा टू पूछ रहा है कि लेमडा टू क्या होगा। तो आप लोगों को रिलेशन बताया है ना बाबू, v1/v2 और लेमडा वन बाटा में क्या होता है, लेमडा टू होता है। बस ये वाला सारा वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, समझ गए ना। तो आप लोग डाटा लिखिए, क्योंकि यहाँ जगह कम है बाबू, तो हमको यहाँ मिटका के फिर से बताना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ देखिए कैसे होगा, v1/v2 बराबर लेमडा वन बटा में क्या होता है, लेमडा टू। v1 का मान कितना दिया है बाबू, v1 का मान है 2 × 10 के पावर 8, तो यहाँ लिख दीजिए 2 × 10 के पावर 8, फिर बटा में v2 है, v2 कितना दिया है, यह डेढ़ गुना 10 के पावर क्या है बाबू, 4 है, हो गया बराबर लेमडा वन इतना दिया हुआ है 300, और नैनो मतलब होता है बाबू 10 के पावर -9, हो गया। मीटर छोड़ दीजिए, वो तो बाद में लगा देंगे। फिर क्या है, यहाँ लेमडा टू होता है ना। अब देखिए इसको कटाइए, कटाने का बस देखिए, ये 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 8 है, तो 4 गो बचेगा, ठीक है ना, 4 गो कट जाएगा। उसके बाद बाबू कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये 2 से कटाना पड़े, कटा दीजिए 2 से कटा दीजिए, 300 कितना बार में, 150 बार में, ये वाला इसमें गुना कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा बाबू लेमडा 2 बराबर, ये वाला पहले इसमें गुना कीजिएगा, तो आपका 150 × 1.5, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, 10 के पावर -9, ये वाला 1.5 × 150 हो गया, 1.5 × 150, आइए आपका 10 के पावर -9 हो गया। और फिर उसके बाद ई वाला बाटा में ला दीजिए, 10 के पावर 4 जो है कहाँ आ जाएगा, बाटा में आपका आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो एगो 10 और ही नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए 15 × 15 कितना हो गया, 225, ठीक है ना, क्या हो गया, 225, और एगो 0 है तो एगो 0 लगा दीजिए, आई 10 के पावर 4 आई एगो 10 कितना हो गया बाबू, 10 के पावर हमारा 5 हो गया, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, क्या 5। अब 5 देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर -9,
और माइनस का 5 हो जाएगा। पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 5 0 गुना 10^-14 मीटर हो जाएगा। ये आपका इतना हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, समझ गए ना कैसे निकलता है। बस देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप लोगों को पहचानने आना चाहिए कौन भी वन है, कौन भी टू है, कौन लेमडा वन है, कौन लेमडा टू है। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग 3 से 4 बार बनाइएगा, आपको खुद अंदर से अनुभव होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट रिलेशन, अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं रिलेशन हम लोग। चलिए ये हो गया। अब आओ प्रो विटामिन टेबलेट में जो भी नंबर है, हमको लगता है कि तीसरा नंबर का तो है, जो भी नंबर होगा ना आप लोग नंबर आगे देते रहिएगा। अब देखिए यहां से बाबू हम लोग कहां चलते हैं, आप लोग प्रकाश के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध, तरंग दैर्ध्य में संबंध। ये कैसे होता है, प्रकाश की अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस यही कहेंगे बाबू फॉर्मूला याद है ना। बस को देखिए आप लोग भूल भी जाते हैं, देखिए भूलना तो मनुष्य का इसका मतलब कि नेचर है कि कोई भी चीज मतलब भूलता है याद करता है। हम भी तीसरा चौथा में क्या पढ़े थे हम भी भूले हैं, आप लोग भी 10 साल पहले आप लोग कहाँ घूमने गए थे शनिवार को संडे को नहीं याद है, तो भूलना तो हमारा नेचर है। लेकिन हाँ इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना काहे नहीं है कि बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य, तो सबसे पहले अपवर्तनांक का सूत्र लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए सूत्र। सूत्र क्या होता है बाबू, तो कहेगा सर n बराबर c बटा में भी होता है, आप पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं ना कि n बराबर क्या होता है c बटा में भी। c क्या होता है, कहेगा सर c प्रकाश का चाल, अभी क्या होता है यो चाले है, लेकिन कहाँ का चाल, किसी माध्यम में। मान ली प्रकाश का चाल आया पानी में दौड़ने लगा, शीशा में दौड़ने लगा, तो हमारा वही होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां से आप लोगों को भी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं तुरंत, जस्ट इसके पीछे हम पढ़ाए हैं भी बराबर, ठीक है ना, भी बराबर न्यू अगुना लेमडा, ये लिखवाए हैं ना, जस्ट इसके पीछे लिखवाए हैं भी बराबर न्यू गुना लेमडा, ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाए हैं। बस यह फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए क्या होगा, एन बराबर यहाँ सी अबाटा में ये वाला फॉर्मूला क्या कीजिए, लाइए यहाँ रख दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा वो न्यू अगुना लेमडा हमारा हो गया, हो गया ना सिंपल सा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध बताना है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला n बराबर c बटा में भी। और बात यहां तक चेंज किसको करें, कैसे हम जानेंगे कि इसका फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग को अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन पता करना, कहेगा जी सर ये बात सही बोल रहे हैं कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन पता करना है, तो अपवर्तनांक को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रिलेशन भी इसी के साथ देखना, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और बचा तरंग दैर्ध्य, तो फॉर्मूला में सी है भी है, तो सी हमारा क्या है अचर है, अचर है ना, बचा कौन भी, तो भी चेंज होगा। अब देखिए ई केस में क्या है कि हमारा सी और न्यू ये दोनों अचर है, क्या है कि सी हमारा होता है बाबू प्रकाश की चाल, कहां निर्वात में, ये जो हमारा सी होता है वो निर्वात में प्रकाश के चाल होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल फिक्स होता है क्या 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, इतना से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होता है, मतलब अचर होता है, कोई भी चीज फिक्स है तो समझिए कि वो अचर है, तो प्रकाश का चाल निर्वात के लिए फिक्स है,
यह हमारा क्या है, आवृत्ति है ना, यह न्यू है तो हमारा क्या है, आवृत्ति है। तो हमारा सी भी अचर, ई भी अचर हो गया ना। तो अब हमारा एन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा वन पे। अरे कॉन्सेप्ट देखिए, तो हमारा एन समानुपाती वन बाटा में क्या हो गया, लेमडा हो गया ना। देखिए मतलब कि हमारा ई अचर इहो अचर, तो हमारा दो को चीज तो अचर है तो हटा दीजिए, क्योंकि जो बदल नहीं सकता है तो उस पर डिपेंड क्या करेगा, कोई भी चीज डिपेंड नहीं करेगा। तो एन जो है इसके लिए फिक्स हो गया, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, ओनली लेमडा पे। लेमडा के मान जैसा होगा वैसा ही एन होगा। तो लेमडा कहाँ है, नीचे, तो नीचे लिख दिए है। अब यहां से बाबू रिलेशन पता कर लीजिए, क्या रिलेशन, मतलब ध्यान से देखिए, n ऊपर है तो लेमडा कहाँ है, नीचे। ध्यान से देखिए, सिंपल मेथड समझिए कि n कहाँ है, ऊपर है, तो लेमडा वन कहाँ है, नीचे। तो आइए यहाँ हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशन। n1 बाटा में n2 हो गया ना, और n1 ऊपर है तो लेमडा वन कहाँ होगा, नीचे। सिंपल सा बात है कि यहाँ n ऊपर है तो लेमडा नीचे है, तो यहाँ n1 ऊपर है तो लेमडा वन कहाँ होगा, नीचे। यहाँ लेमडा वन लिख दीजिए, एन टू कहाँ है, नीचे, तो लेमडा टू कहाँ होगा, ऊपर। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग लेमडा टू, आपका हो गया रिलेशन, हो गया। और क्वेश्चन का देगा, बोले किसी माध्यम में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक इतना है और उसका तरंग दैर्ध्य इतना है, ठीक है ना। मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक देगा, तरंग दैर्ध्य देगा, और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य देगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा। बहुत बहुत काफी ज्यादा जहर है ये, बता रहा हूं जहर। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक इतना है तथा उसी माध्यम प्रकाश की, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। तो बस डाटा सामने है, बस रख के सॉल्व कर लेना है। तो आपका पूरा ये वाला क्लियर हो गया, चाल उल तरंग दैर्ध्य कैसे बदलता है, क्या होता है, सारा डाटा हम क्लियर कर दिए। अब यहां से जानते हैं थोड़ा सा, हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कहने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, क्या नहीं है, कैसे लागू होता है। तो आप लोग इसको जल्दी से, जितना हो सके जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए तो आप लोग यहां जल्दी से क्वेश्चन लिखिए बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के अपवर्तन को, मतलब अपवर्तन के नियम को लिखे। आखिर देखिए, जिस भांति, ठीक है ना, जिस भांति आप लोगों को पहले बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उसी प्रकार हम आपको समझाएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। कोई भी चीज देखिए, सीखने से आप सीख जाते हैं, आप लोग किसी चीज से भागिएगा, समझ गए ना क्या कह रहे हैं हम, कि आप लोग किसी चीज से भागिएगा तो वो चीज आपसे उतना ही दूर भागता चला जाएगा, लेकिन आप लोग सीखिएगा तो बहुत कुछ आप लोग सीख जाइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है, बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों का होता है एक ही तल में होता है। सिंपल वही बात यो कहता है पहला। इसका भी दो गो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी कई गो नियम, दो गो। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कई गो नियम, दो गो। बस थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है। इसमें लिखिएगा कि आपतित किरण,
आपतित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर लिख लीजिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है कहने का मतलब है बाबू, जो प्रकाश की जो किरण होती है जो आपतन बिंदु पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद अपवर्तित हो जाती है। तो जो सारा प्रोसेस है, मान लीजिए कि हमारा ये वाला मीडियम है, ये वाला मेन बॉर्डर है, ये हमारा अभिलंब हो गया, यहाँ से हमारा आपतित किरण आ रहा है, इस लंब को थोड़ा सा नीचे के दिखा देते हैं, यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा यह इधर चल जाती है। तो देखिए क्या है, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा है अपवर्तित किरण, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण। उसके बाद ये हमारा क्या है, अभिलंब। आप लोगों को बस जानते हैं, थोड़ा सा बस फोकस करते रहिए। अभिलंब हो गया, ये हमारा क्या है बाबू, तो ये हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। तो अब देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों का होता है एक के तल में स्थित होता है। ये आपको अलग अलग तल में दिखाई दे रहा है, नहीं, ये सब एक तल में है। तो बस याद करना है, नहीं याद करना है, सिंपल आप फिगर याद रखिए कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक तल में होता है। बस काम खत्म हो गया, पहिलका नियम का काम खत्म हो गया, बस यही था। याद करबे नहीं करना है, आप लोग रट्टा झूठो खाली मारते हैं। उसके बाद दूसरा बहुत, देखिए बाबू बहुत सिंपल है, क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा कि आपतन कोण, समझ रहे ना, आपतन कोण तथा अपवर्तित कोण की जया बोले तो साइन, समझ रहे ना, जया मतलब साइन का अनुपात अपवर्तित किरण का माध्यम अपवर्तित किरण का माध्यम आपतित किरण आपतित किरण के माध्यम के सापेक्ष बराबर होता है। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, हम जानते हैं ये बात
कि आप लोग को अभी समझ में तनिको से नहीं आया होगा कि हाँ का लिखे हैं, सब समझ में आएगा। बस यहाँ जो अब करने वाले हैं ना सब समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये वाला पहले आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, लिखने का का लिखे हैं जरूर समझाएंगे। पहले आप लोग यहाँ फिगर वहां नोट कर जल्दी फिगर देखिए, यह हमारा क्या है बाबू अभिलंब, कहिएगा जी सर ये आपका अभिलंब है। इधर से हमारा रे आ रहा है, कहिएगा जी सर ये आपका रे आ रहा है। अभिलंब को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ ले जाते हैं नीचे। नीचे ले जाने के बाद अब देखिए क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, आ गया। लाने के बाद अब जो असली कहानी है यहीं पर है। यह हमारा क्या है बाबू माध्यम वन है, क्या है माध्यम वन है, माध्यम वन है ना, क्योंकि माध्यम वन से हमारा क्या आ रहा है आपतित किरण आ रहा है। तो हम इसको सूचित करते हैं एन आई से। एन आई क्या है, आई मतलब होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब कहने का मतलब हिंदी में होता है कि आपतित किरण। तो आपतित किरण का जो इंग्लिश स्टार्ट होता है ना वह आई से होता है, तो इसीलिए यहाँ एन आई लिखा है कि मतलब कि आने वाली यानी आपतित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक है, समझ रहे ना। आई मतलब क्या, इंसिडेंट मतलब आपतित किरण। तो जिस माध्यम से आपतित किरण आ रही है उस माध्यम का क्या है ये अपवर्तनांक है। तो कहेगा ये तो अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण का इंग्लिश क्या होता है, तो रिफ्रेक्टिव रे होता है। तो इसका स्टार्टिंग क्या है लेटर आर है, तो हम इस माध्यम का अपवर्तनांक का देंगे, बताइए आप ही लोग एन आर देंगे ना, काहे देंगे, क्योंकि रिफ्रेक्टिव रे है मतलब अपवर्तित किरण है। तो सूचित करने का सिंपल तरीका है कि एन आर से करेंगे, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा आई मतलब क्या कि आपतित किरण आ रहा है जिस माध्यम से उस माध्यम वाला है, और एन आर का मतलब क्या है कि जिस माध्यम में अपवर्तित हो रहा है उसी माध्यम का अपवर्तनांक है। उसके बाद ये हमारा क्या है बाबू, यह हमारा अभिलंब है, क्या है अभिलंब। अब अभिलंब से जो कोण बनता है यही तो हमारा क्या होता है आपतन कोण होता है ना, जिसको आई से करते हैं। आई मतलब काहे लिख रहे हैं आई, आई इसलिए लिख रहे हैं कि आई पता चलेगा कि आई आपका आपतन कोण है। आ ई वाला देखिए, ई वाला जो होता है इसको करते हैं आर से, तब आर जानिए गए होंगे क्या है, आर इसलिए करते हैं कि आर मतलब होता है रिफ्रेक्टिव किरण मतलब अपवर्तन कोण कहाँ का, जिस माध्यम में अपवर्तित हो रहा है। आ ये आपका देखिए क्या है अपवर्तित किरण है, तो लिख देते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। पूरा समझ में आ रहा होगा बाबू, कुछ इसमें रट्टा मारने वाला नहीं है कि एन आई मतलब क्या कि आने वाली किरण का अपवर्तनांक है, आई मतलब क्या इंसिडेंट मतलब आपतन कोण है, माध्यम टू एन आर मतलब कि रिफ्रेक्टिव मतलब कि जिस माध्यम में अपवर्तित हो रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक, आर मतलब क्या रिफ्रेक्टिव कोण मतलब अपवर्तन कोण, यहाँ वो भी लिखे हैं हम अपवर्तित कोण चाहे अपवर्तन कोण दोनों सेम होता है, ठीक है ना। वर्ड में देखिए चेंजिंग हो सकता है, हम अपवर्तित लिख रहे हैं, किताब पे किताब में अपवर्तन लिखा होगा, तो इसमें ज्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। का लिखे हैं अब आइए पकड़ते हैं इसको, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब क्या आई। आप लोगों को लिखने का मन होगा तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग लिख लीजिएगा कि आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर अपवर्तन कोण, एन आई मतलब आपतित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक। फिर से बोल रहा हूं, एन आई मतलब आपतित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक, एन आर लिखना का मन होगा तो अपवर्तित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक। पूरा बच्चे जो होंगे ना जो नहीं जानते हैं वो सीख गए होंगे कि पूरा डाटा लिखवा दिए हैं कि कौन क्या होता है, कहेगा जी सर डाटा तो लिखवाइए रहे हैं। चलिए आपतन कोण तथा अपवर्तित कोण की जया, जया मतलब साइन, समझ रहे हैं, जया मतलब साइन का अनुपात मतलब यहां साइन दीजिए, ठीक है ना, का दीजिए साइन। किसका नाम पहले लिया गया है, तो कहेगा सर नाम
नाम तो पहले आपतन कोण का लिया गया है। तो आपतन कोण क्या है बाबू लोग? आई है, तो यहाँ आई लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, अनुपात बोला है तो बाटा देना जरूरी है। फिर क्या बोला है? अपवर्तित तो कोण की जया, जया मतलब बाबू साइन, जया लड़की का नाम नहीं है ये मत समझिएगा, जया मतलब होता है आपका साइन। अपवर्तित कोण मतलब बाबू आर, कोनो ये सोच रहा होगा कि जया लिखे है ना कोनो का नाम लिखे, नहीं बाबू अपवर्तित किरण हो गया। फिर देखिए क्या बोला है, अपवर्तित किरण का माध्यम, पकड़ते जाइए लिखते जाइए, क्या बोला है? अपवर्तित किरण का माध्यम, तो अपवर्तित किरण का माध्यम क्या है? एन आर। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एन आर। आगे पढ़िए, अपवर्तित किरण का माध्यम आपतित किरण के माध्यम के सापेक्ष, मतलब आपतित किरण के माध्यम के सापेक्ष। तो आपतित किरण का माध्यम क्या है? एन आई है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं आई। ऐसे ही लिखा जाता है, किसी के सापेक्ष में जो वैल्यू निकाला जाता है तो वह कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही निकाला जाता है, आप लोग सिखाए हैं। और नहीं ये वाला लिखने का मन है तो सापेक्ष मतलब बताए थे कि उसको कहाँ लिखना है बाटा में, कहले के वीडियो में बताए थे कि जब भी सापेक्ष बोलेगा ना जिसके रिस्पेक्ट में तो उसको कहाँ लिखना है बाटा में, कहेगा जी सर ये बताए थे। तो ई वाला वाला बतिया सेम होता है, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि जो आगे रहता है इसको आप ऊपर लिखिए, कहेगा जी सर, जो इधर है आप इसको लिख दीजिए एन आई, हो गया ना। तो हमारा फाइनली बाबू क्या आ गया? साइन आई बाटा में साइन आर बराबर एन आर बाटा में क्या हो गया? एन आई, हो गया ना। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया? एन आई गुना साइन आई बराबर एन आर गुना साइन आर, हो गया ना। देखिए यही तो बस दूसरा नियम है आपका, हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे, याद करना है हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है कि आप लोग याद करने का जरूरत तो पड़ा होगा। क्या है कि वेरी देखिए बहुत सिंपल रिजल्ट आया, क्या है? एन आई साइन आई, एन आर साइन आर, मतलब आई वाला संग है आर वाला संग है, याद नहीं होगा आई वाला पूरा संग लिखना है आर वाला संग सही लिखना है, तो याद तो हो ही गया एन आई गुना साइन आई एन आर साइन आर, बस खत्म। कितना आसान रिजल्ट है। आप लोग कहते हैं कि सर बहुत हार्ड है, फिजिक्स नहीं समझ में आता है, समझिएगा, समझाने वाला बढ़िया रहेगा तो जरूर समझ में आएगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग दूसरे क्लास में इसका बढ़िया से हम लोग यूज सीखेंगे, समझ गए ना। ये तो बताए हैं, अब फिर जब दूसरा वीडियो आएगा ना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम लोग और ज्यादा रिजल्ट पढ़ने वाले हैं काफी ज्यादा। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत सक्सेस मतलब हो रहा है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी करके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।